एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फजरा सिम खान। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और आप लोग को आई होप अच्छी लगेगी। आज की वीडियो जो है वो एक रिव्यू वीडियो भी है और एक कंपैरिजन वीडियो भी है। कंपैरिजन है जी दो मुख्तलिफ टेंट्स का जो मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। यहाँ पे है वो टेंट, एक है गोगो टेंट, एक है बैनर टेंट। आप लोगों ने इनका नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, तो मैं इन दोनों को यूज़ कर रही हूँ। एक थोड़ा सा ज़्यादा है, एक थोड़ा सा कम यूज़ कर रही हूँ। दोनों इसकी रीज़न क्या है कि ज़्यादा कौन सा यूज़ करें और कम कौन सा और क्यों यूज़ करें, ये आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा आप लोग को आज की वीडियो में ये भी बताऊंगी कि हम लोग कैसे टिंट्स को यूज़ करें कि वो जो है वो अच्छी से लुक दें, स्टेन ना छोड़ें। तो आप लोगों ने जो है वो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है और मुझे बताना है कि वीडियो कैसी लगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दे दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो है वो जो बेसिक चीज़ है ये है कि हम लोग हमेशा जो है वो ड्राई स्किन जो है उसके ऊपर अपना जो टिंट है वो लगा लेते हैं। ऐसे मतलब जो हम लोगों ने जिसके ऊपर ना कोई प्राइमर लगाया होता है, जिसको ना मॉइस्चराइज किया होता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि जो टिंट है वो एक ही जगह पे जो वो स्टक हो जाता है और उसकी वजह से स्टेन छोड़ देता है। ठीक है, यानी कि वो फ्लॉलेस सी लुक नहीं उसकी वजह से आती। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मॉइस्चराइज करना है या फिर उसके अलावा कोई भी आप सीरम यूज़ करें जिसकी वजह से जो स्किन है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे जो है वो फारसली का सीरम यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा हल्का सा लगाएंगे जिससे जो है वो स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाए, स्पेशली जहाँ पे आपने टिंट को अप्लाई करना है उस जगह पे। जो सीरम हमने लगाया है वो अच्छे से जो है वह एब्जॉर्ब हो गया स्किन के अंदर। उसके बाद जो है वो सेकेंड स्टेप है फाउंडेशन का, क्योंकि हम लोग जो है वो हमेशा जब भी ये टिंट वगैरह यूज़ करते हैं वो मोस्टली होता है कि हम फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करके फिर उसके बाद यूज़ करते हैं। तो जो जब हम लोग फाउंडेशन के बगैर इसको अप्लाई करते हैं तो वो फिर ये वाली जगह जो है वो कुछ अजीब सी रेड रेड हो जाती है और उसकी वजह से जो है वो हम ऐसा लगता है जैसे टिंट नहीं लगाया हुआ, जैसे कोई एलर्जी वगैरह हुई हो, इस तरह हो जाती है। तो उससे पहले लाजमी है कि आप लोग फाउंडेशन लगा लिया करें, फाउंडेशन लगा के उसके बाद जो है वो टिंट को यूज़ क्या करें। अभी मैं यूज़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि भाई फाउंडेशन लगाने के बाद जब हम टिंट लगाते हैं तो वो कितना अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं CVB की जो है वो मैट प्लस पोरलेस जो है वो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड फाउंडेशन है ये। इसको लगा के उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, हल्का हल्का सा। बस मैं आप लोगों को फिर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि वो कैसा लगता है। ठीक है, शेड इसका है 02। अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो मैंने जो CVB के सारी डील ऑर्डर की थी ये उसी के साथ ही, उसके अंदर ही थी ये डील के। तो अब मैं इसको अच्छे से जो है वो स्किन के ऊपर लगा लेती हूँ। इसकी कवरेज इतनी बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है इसकी, इस फाउंडेशन की, लेकिन यह है कि अच्छी है। यानी अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहते हैं इसको तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और बिल्कुल नेचुरल सी लुक आती है। इसकी वजह से वो फिंगर से ही हम लोग इसको कर लेंगे, उसके बाद अगर करना चाहें तो आप ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी कवरेज नहीं है लेकिन ये अच्छा लुक देती है। मतलब लाइट सी कवरेज है और बहुत नेचुरल सा जो है वो इसका शेड आता है स्किन के ऊपर। ठीक है, अब हम लोगों ने फाउंडेशन लगा ली, अब इसके बाद हमने टिंट अप्लाई करना है। टिंट जो है वो पहले मैं फिंगर से आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, दोनों एक साइड पर ये अप्लाई करूँगी, एक साइड पर ये अप्लाई करूँगी। फिंगर से हम इसको लगा के उसके बाद इसको ब्लेंड कर देंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन दोनों का जो इन ये दोनों स्टेन छोड़ते हैं नहीं। अगर उससे भी आप लोगों को समझ नहीं आए तो फिर मैं स्किन पे लगा के दोनों को बराबर टाइम के लिए छोड़ दूंगी, उससे फिर समझ आ जाएगी कि जो है वो ये कितनी देर में स्टेन छोड़ देते हैं दोनों। ठीक है, गोगो टिंट है, सबसे पहले इसको एक साइड पर इसको लगाते हैं और दूसरी साइड पर जो है वो बैनर टिंट को लगाएंगे। ठीक है, पहले मैं फिंगर पर लगाऊंगी, फिंगर पे लगाने से ये होता है कि स्टेन नहीं आता। इस तरह करके हम लगाएंगे इसको बस थोड़ा सा और उसके बाद जो है वो ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, वो बिल्कुल भी इसने स्टेन नहीं छोड़ा।
मैं अब इसको डायरेक्टली अप्लाई करके भी ब्लेंड करती हूँ फिंगर से। ये देखें बिल्कुल भी इसने स्टेन नहीं छोड़ा, और ये हमने एक साइड पे इसको लगा लिया। और कभी भी जो है वो टिंट को एक ही जगह पे नहीं लगाते, हमने इस तरह दो तीन छोटे छोटे जो है वो ड्रॉप्स लगाने होते हैं और इस तरफ को लेके जाके उसके बाद इस तरह इसको ब्लेंड करना होता है। ठीक है, एक साइड पे ये लग गया, अब दूसरी साइड पे जो है हम बैनर टिंट लगाते हैं। ये बैनर टिंट जो है वो मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, दोनों एक ही जो है वो जगह से मंगवाए थे, इंस्टा पे पेज है मेकअप शेकअप के नाम से, वहाँ से इनको ऑर्डर किया था। और उसकी जो कंसिस्टेंसी है गोगो टिंट की, वो क्रीमी कंसिस्टेंसी है इसकी, और इसकी जो है वो वाटरी कंसिस्टेंसी है, यानी दोनों की कंसिस्टेंसी में फ़र्क है। अगर आप लोग मेरे ही रिकमेंडेशन पे कोई ऑर्डर करना चाहें तो वो गोगो टिंट होगा। वाटर जो बेस्ड टिंट होते हैं वो ज़्यादा स्टेन छोड़ते हैं, और जो क्रीमी टिंट्स होते हैं ये बिल्कुल भी स्टेन नहीं छोड़ते। तो आप जब भी ऑर्डर करें गोगो ही करें, बैनर टिंट को ना ही कीजिएगा तो अच्छा है। तो मैं आपको मतलब जिन्होंने पहले यूज़ किया हुआ है उनका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इसकी जो वाटर बेस्ड कंसिस्टेंसी है वो पसंद नहीं आई, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसको फिंगर पे लगाती हूँ और फिर उसके बाद यहाँ लगाऊंगी। मैंने इसको जब भी लगाया है और इसने बहुत ही ज़्यादा स्टेन छोड़ा है, इसलिए मैंने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया। ये अभी वैसे का वैसे ही नज़र पड़ा होगा। ये देखें इसको फिंगर पे लगा के भी अगर अप्लाई करो तो ये स्टेन छोड़ देता है। ठीक है, और जो गोगो टिंट है ये बिल्कुल भी स्टेन नहीं छोड़ता। तो आप दोनों को, आपको यहीं से इसके कंपैरिजन का आइडिया हो गया होगा कि ये कैसा जो है, कैसा टिंट है दोनों। एक जो है वो बिल्कुल जो है वो स्टेन छोड़ता है वाटरी कंसिस्टेंसी वाला, और ये गोगो टिंट का रिजल्ट है। तो ये दोनों का कंपैरिजन हो गया। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जब भी आप टिंट यूज़ करें तो सबसे पहले जो है वो फेस को मॉइस्चराइज करें, उसके बाद हल्की सी कोई फाउंडेशन लगा लें, और उसके बाद जो है वो आप टिंट को अप्लाई करें। फिंगर से अप्लाई करें, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो वो स्टेन छोड़ेगा। और जो गोगो टिंट है इसको अगर आप 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड लगा के छोड़ भी दें तो ये जो है वो स्टेन नहीं छोड़ता। इसको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। और जो बैनर टिंट है ये मैंने बिल्कुल भी जो है वो यूज़ नहीं किया अभी तक। ये मैंने ऑर्डर किया था लेकिन इसको यूज़ नहीं किया, इसको यूज़ किया था तो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अजीब थी और बहुत ज़्यादा स्टेन छोड़ता था। मैं आपको अगेन से इसको हाथ पे भी लगा के दिखा देती हूँ, इससे आपको आइडिया और ज़्यादा हो जाएगा कि ये किस कदर जो है वो स्टेन छोड़ता है। ये देखें ठीक हो गया। अब जो है वो ब्लेंड करते हैं इसको। ठीक है, ये स्टेन छोड़ता है बहुत ही ज़्यादा, ये देखें, और ब्लेंडिंग भी इतनी अच्छी नहीं है जो है वो स्टेन छोड़ा है। आप लोगों को नजर आ गया होगा, यहाँ मैंने फेस पे भी अप्लाई करके आपको दिखा दिया और इसके अलावा जो है वो हाथ पे भी अप्लाई करके दिखा दिया है। गोगो टिंट जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो क्रीमी टेक्सचर है इसका, तो ये बिल्कुल भी स्टेन नहीं छोड़ता। अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना हो इन दोनों में से तो गोगो टिंट ही ऑर्डर कीजिएगा। प्राइस जो है वो दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। मैंने इसको मेकअप शेकअप के पेज से ऑर्डर किया था तो वहां से मुझे ये मिला था 800 का एक। ठीक है, लेकिन ये वैसे इतना महंगा नहीं है, आप कहीं किसी और पेज से भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो गोगो ही ऑर्डर कीजिएगा जी। स्टेन्स जो हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं यहाँ से, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी और आखिरी बात थी वो ये थी कि जब भी आपके फेस पे अगर जो है वो टिंट जो है वो स्टेन छोड़ दे तो आप जो है वो एलोवेरा जेल जो है, जो घर में एलोवेरा जेल होता है, उसके अलावा बॉटल में जो मिलता है, यानी नेचुरल हो या फिर वैसे हो जो बॉटल से मिलता है, आप कोई भी एलोवेरा जेल ले उसको लगाएं थोड़ा सा, और उसके बाद टिश्यू से इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है वो वाइप्स मौजूद हों और उसके बाद जो है मेकअप रिमूविंग वाइप से ही आप इसको उतारें। एलोवेरा जेल से बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं, बस थोड़ा सी एप्लीकेशन इसकी और उसके बाद जो है वो फौरन से वो गायब हो जाएगा। वैसे जो बैनर टिंट है इसका स्टेन बहुत मुश्किल से जाता है, तो आप लोग जो है वो एलोवेरा जेल से ट्राई कीजिएगा। अभी मेरे हाथों पे है, इसको भी मैं भी रिमूव करूंगी। फेस से जो है मैंने रिमूव कर दिया है, ये यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, और बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। तो बस जो है वो आज की जो वीडियो है वो इतनी सी थी। आई होप ये जो कंपैरिजन वीडियो थी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने अगर खरीदना है तो आप लोग गोगो टिंट खरीदिएगा,
मैंने टेंट जो है वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, जिस पेज से मैंने मंगवाए थे वहाँ से भी मंगवाने जरूरी नहीं, बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ से मिल जाते हैं। वैसे मैंने मेकअप चेकअप से ऑर्डर किए थे, उसको मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में अगर किसी ने वहाँ से लेने हो, अदरवाइज आप कहीं और से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं हम। और अगर आप लोग को फ्यूचर में इस तरह की वीडियोज़ जो है वो चाहिए जो जिसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ हों, कंपेरिजन हो, तो आप लोगों ने वो भी मुझे कॉमेंट करके बताने हैं। इंस्टा पर भी DM कर सकते हैं, इंस्टा हैंडल मौजूद है। टिल नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।